आपको आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, बल्कि टाइम टेबल को समझाऊंगा भी, समय भी बताऊंगा। उसके बाद आपको ये बताऊंगा पेपर कहाँ से बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा। और पहली ट्रिक मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा जो कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पढ़ते नहीं, डिटेल में पढ़ते नहीं। और दूसरा उन विद्यार्थियों के लिए ट्रिक बताऊंगा जो विद्यार्थी क्या करते ना, जो विद्यार्थी डिटेल में पढ़ते हैं साथ ही साथ उनको अंक भी अच्छे लाने। तो मैं दोनों विद्यार्थियों को लेकर के चलूंगा, दो ट्रिक और बताऊंगा। ये पहली ट्रिक है जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये भी देखो, तो हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम रुपेश पांचाल, आप देख रहे हो आपके अपने दोस्त को। बहुत सारी वीडियो बन चुकी है अभी तक, तो आप सभी को पता लग ही गया होगा हमारी हर वीडियो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखती है, कुछ ना कुछ नई खासियत होती है हमारी वीडियो में, तभी तो आप देखने आते हो। क्योंकि आप भी बहुत होशियार हो, आप हर कोई वीडियो ऐसे ही नहीं देखते हो, आप वही वीडियो देखते हो जिसमें कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलती है। आज की इस वीडियो में भी नई नॉलेज मिलेगी सिर्फ आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टाइम टेबल नहीं बताऊँगा, बल्कि टाइम टेबल को समझाऊँगा भी, समय भी बताऊँगा। उसके बाद आपको ये बताऊँगा पेपर कहाँ से बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा। और पहली ट्रिक मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताऊँगा जो कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा पढ़ते नहीं, डिटेल में पढ़ते नहीं, सिर्फ वो चीज़ें पढ़ते हैं जो मेन मेन चीज़ें रहती है वो। तो उनको मैं बताऊँगा भैया क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरा उन विद्यार्थियों के लिए ट्रिक बताऊँगा जो विद्यार्थी क्या करते ना, जो विद्यार्थी डिटेल में पढ़ते हैं साथ ही साथ उनको अंक भी अच्छे लाने। तो मैं दोनों विद्यार्थियों को लेकर के चलूँगा और दोनों विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ट्रिक बता दूँगा, वो बताऊँगा मैं वीडियो को बीच में, वीडियो को लास्ट में। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, टाइम टेबल देखेंगे। अगर आप विज्ञान विषय के विद्यार्थी है, विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी है, तब भी इस वीडियो को देखना है। अगर आप नहीं भी तब भी देखना है, क्योंकि वीडियो को लास्ट में ट्रिक जो मिलेगी ट्रिक सभी के लिए है, ठीक है। टाइम टेबल सिर्फ विज्ञान संकाय वालों के लिए है, ठीक है, जीव विज्ञान, गणित, मैथमेटिक्स उनके लिए, ठीक है, लेकिन ट्रिक सभी के लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, नहीं कर रखा है ना, अगर जिसने नहीं कर रखा है कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो लाइक कर दो, अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर ज़रूर कर देना, एंड कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूले, है ना। बोर्ड भी, बोर्ड का नाम भी लिख देना कौन से बोर्ड से आप हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने इधर डाल रखा है दिनांक, ठीक है, दिनांक अर्थात डेट। इधर विषय डाल रखा है, देखिए विषय दिनांक देखने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 समय सारणी जो आई है आपका मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा बताई जाएगी। समय प्रातः 8:30 से 11:30 रहेगा कक्षा 11 वाले के लिए। कब से कब तक, 8:30 से 11:30, ठीक है, 8:30 से 11:30 जो आपका त्रैमासिक में था वही इसमें रहने वाला है ना, त्रैमासिक में था वही इसमें रहने वाला है, ठीक है। आपको 8 बजे जाना पड़ेगा और 8:30 बजे आपको पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर देखते हैं, यहाँ पर दिनांक है, यहाँ पर विषय है। दिनांक 1/12/2022 को आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, यानी कि फिजिक्स का पेपर होने वाला है, तो डेट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड आता है जो कि 2/12/2022 को आपका पेपर होगा IT वालों का, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का वालों का जो है पेपर होने वाला है, ठीक है, जिसने भी IT ले रखा है उसका पेपर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है 3/12/2022 को रसायन शास्त्र का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा। अब बहुत सारे बोल रहे होंगे भैया कि हमारा तो 2 तारीख को पेपर है नहीं, हम क्या करेंगे, जिसका 2 तारीख को पेपर नहीं है वो उसका मौज मस्ती है, उसका मौज मस्ती के लिए नहीं है, उसका स्टडी के लिए है, वो क्या है, उसका स्टडी के लिए स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद है 5/12/2022 को है आपका इंग्लिश का पेपर अर्थात अंग्रेजी का पेपर, ठीक है। उसके बाद अगला है 6/12/2022, इसको आपका जीव विज्ञान का यानी कि बायो का, बायोलॉजी का पेपर आपका होने वाला है 6 तारीख को। उसके बाद जस्ट नीचे 7 तारीख को आपको होने वाला है हिंदी का पेपर, ठीक है, हिंदी जो अपनी मातृभाषा है और मेरी फेवरेट भाषा है, ठीक है, हिंदी। उसके बाद 8/12/2022 को आपका होने वाला है गणित संकाय का, है ना, यानी कि मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो समय नोट कर लीजिएगा आप, तो ये तो हो गए समय सारणी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा मैं आप सभी को बता दूँ, एक ट्रिक तो सभी के लिए है, उसके बाद 2 ट्रिक और बताऊँगा। ये पहली ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी देखो, आप सभी को जो है ना हिंदी को ठीक है, हिंदी को बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम, यानी कि कम से कम 1 घंटा पढ़ लो,
1 घंटा रोज पढ़ लो, बस हो जाएगा। शाम को पढ़ लो बस, ठीक है, हो जाएगा काम। और वो भी मोस्ट मोस्ट चीज़ें पढ़ लो। सबसे पहले व्याकरण कवर करना है, ठीक है, ये पहली ट्रिक तो सभी के लिए है, ठीक है, हिंदी। अब उसके बाद आपका जो भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपका कमज़ोर है उस पर सबसे ज़्यादा पकड़ बनानी है। जैसे कि मेरा है अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी को आपको देना है कम से कम 3 घंटे, जो कि मैं इतना घंटे देता नहीं हूँ कभी इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश को खोल के बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा। लेकिन मन कैसे लगेगा वो भी आपको वीडियो को लास्ट में बता दिया जाएगा। चलिए अभी बता देते। मन ऐसा लगता है भैया कि जब आप पढ़ते हो तो अब उसको लिख लिख करके नोट डाउन करो, लिख लिख करके याद करो, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ो, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ो। क्वेश्चन आंसर को पढ़ रहे हो तो लिख लिख करके पढ़ो। कैसे पढ़ो? लिख लिख करके पढ़ो। समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो पर ट्यूटोरियल देख लो, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल पड़े वो बहुत सारे, खजाना है यूट्यूब पर, तो उसको देखो, उसको खजाने को निकालो, वो खजाने से खजाने की सहायता लेकर के स्टडी करो भैया इंग्लिश की, ठीक है, ये इंग्लिश हो गया। उसके बाद भैया रसायन विज्ञान लो, जीव विज्ञान लो, गणित वाला गणित लो और फिजिक्स लो। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनको आप बराबरी पर लेकर चलो। लेकिन मान के चलो कोई का भैया जीव विज्ञान तो अच्छा है लेकिन दोनों अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करना है आपको, जीव विज्ञान को थोड़ा कम महत्व देना है, दोनों को ज़्यादा महत्व देना है। लेकिन जिस, बस कहने का अर्थ समझ लो, जो ज़्यादा कमजोर है विषय, जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो विषय ज़्यादा पढ़ो। और जो विषय अच्छा है, जिसमें अच्छा पकड़ है, जिसमें जल्दी याद हो जाता है, उसको ज़्यादा टाइम दो। अगर सभी में याद नहीं होता जल्दी जल्दी तो भैया सभी को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, नींद कम निकालिएगा और पढ़ाई ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। अभी तो हो गया, अब बात करते हैं पेपर में क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे। तो मैं आप सभी के लिए बता दूँ, ये तो ये कोई ट्रिक नहीं है, आप सभी का पेपर ज़्यादातर बनेगा क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक अर्थात प्रश्न बैंक, कौन सी लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई जो है ऑनलाइन विमर्श पोर्टल पर जो अपलोड की गई है वो, और अभी मैं आप सभी को उसका सोल्यूशन भी इसी चैनल पर देने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिक की। भैया सबसे पहले ट्रिक उनके लिए जो विद्यार्थी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, थोड़ी बहुत करते हैं, और बाकी वो टॉप करना चाहते हैं, सबसे आगे रहना चाहते हैं, 80-90% लाना चाहते हैं, वो पीछे नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे पहली बात त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है, त्रैमासिक का पूरा का पूरा रट डालो, पूरा का पूरा रट डालो, त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है पूरा का पूरा याद कर डालो, पूरा का पूरा, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है और मेन क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, मेन भी और एंड वाला भी, यानी कि और वाला अथवा वाला भी आप सभी को याद करना है दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। और मान के चलो किसी में 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट है, तो आप सभी को कितने पॉइंट याद करने हैं, 7-8 पॉइंट, 7-8 पॉइंट जी, जितना पूछे उससे डबल याद कर लो ना, क्योंकि भैया याद आधा रहने वाला आप सभी को। एग्ज़ाम में आप सभी की स्मृति थोड़ी वीक हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर आप सभी को कुछ चीज़ें भूल भी जाते हो, है ना, किसी के यही जो सिचुएशन है यही इसी की अपोजिट भी हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा याद भी आ जाता है एग्ज़ाम में, है ना, बहुत ज़्यादा याद आ जाता है, क्योंकि वो क्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के। जैसे कि मेरी यही आदत है ना, सीरियस रहता हूँ तो भैया बहुत ज़्यादा याद आ जाते उल्टे, है ना, ऐसा होता है एग्ज़ाम के टाइम पर, है ना। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई कैसे करते हैं, वो टॉपिक वाइज एक भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन वो फिर भी भ्रमित रहते भैया कि पीछे तो नहीं रह जाएंगे, ये जो पढ़ रहे आएगा नहीं आएगा, वो क्या पढ़े वो क्या नहीं पढ़े। अब देखिए सबसे ज़्यादा पहले जो थे उसके लिए पूरी ट्रिक हुई नहीं, पहले स्टूडेंट के लिए, पहले स्टूडेंट की ट्रिक ये है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर पढ़ लो, अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो 2021 वाला जो परीक्षा होता है अर्धवार्षिक का, उसको पढ़ डालो, उसमें सिर्फ वो एक क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हो, अगर आपके चैप्टर से बाहर तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अगला दूसरा स्टूडेंट के लिए, दोनों स्टूडेंट अभी रुकना, क्योंकि भाई वीडियो को लास्ट में एक और ट्रिक बताऊंगा सभी के लिए रहेगा। अब देखिए आप सभी क्या करना है, आप सभी को जो पढ़ाई करते हैं तो अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन वो भ्रमित रहते हैं और अच्छे परसेंटेज नहीं बनते, ये डर रहता है, तो उनके लिए क्या करना है, उनको ये करना है सबसे पहले तो तैयारी कर लो, तैयारी हो गई, अगर हो गई है तो आपके जो 3 वर्ष पुराने जो पेपर रहते हैं उन हिसाब से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, वो सारे सारे जो भी क्वेश्चन है सारे लगा करके देख लो कि हमें हमसे बनते नहीं बनते, सारे सारे लगा करके देख लो, ठीक है, लगा करके देख लिया, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर सबसे ज़्यादा पकड़ बनाओ। और जो क्वेश्चन आपको लगता है भैया तीनों पेपर में, मान के चलिए आपके पास 3 पेपर है, कितने पेपर है, 3 पेपर, यहाँ पर छोटा सा समझा देता हूँ, एक पेपर ये 2018 का,
ये है 19 का, ये है 20 का। अब मान के चलिए क्वेश्चन इसमें आ गया, यही क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आ गया, थोड़ा यही क्वेश्चन घुमा करके इसमें पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन जो टिक मार करो कि भैया ये क्वेश्चन तीनों में रिपीट हो रहा है, यानी कि 2018 में भी आ रहा है, थोड़ा सा कन्वर्ट करके 2019 में पूछा गया है, थोड़ा सा कन्वर्ट करके भैया 2020 में पूछ लिया गया है, सारे पेपर्स में रिपीटेड जो क्वेश्चन है सबसे पहले उनको टिक मार करो। अगर वो आपके सिलेबस में हैं तो उनको टिक मार करके भैया उनको भैया बिल्कुल समझ डालो, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी समझ डालो। जैसे कि मान के चलिए अगर हिंदी की बात करें तो भक्ति काल की विशेषता लिखिए, ये प्रश्न हमेशा आता है। अब भक्ति काल की विशेषता लिखिए तो इसी के साथ साथ ये भी तो प्रश्न बन सकता है ना, ये भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ लिखिए, या फिर ये भी बन सकता है कि भैया रीति काल की प्रवृत्तियाँ लिखिए, या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है विरघाता काल की लिखिए या आदिकाल की लिखिए, यानी कि काल बदल सकता है ना, वो काल बदल देगा, मान के बदल लिया फिर क्या करोगे, है कि नहीं, बदल भी सकता है क्योंकि भैया बोर्ड वाले ये थोड़ी देख रहे हैं। वैसे हालांकि भक्ति काल आता है हमेशा, हर कक्षा में आता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बनाने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना मिस हो, एक भी प्रश्न मिस ना हो। अब चलिए, ये तो हो गई दोनों स्टूडेंट के लिए ट्रिक की बात। अब देखिए, अब सभी स्टूडेंट सुनिए, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को सिलेबस देखना है। किसका सिलेबस देखना है? अपनी अर्धवार्षिक जो परीक्षा है, अर्धवार्षिक जो परीक्षा है इसका सिलेबस चेक करो, कौन कौन से चैप्टर जो आने वाले और कौन कौन से चैप्टर जो है वो हटा दिए गए। मान के लिए आपका जो मासिक कैलेंडर है उसमें चैप्टर है बहुत सारे, लेकिन अगर उसमें से कोई चैप्टर ऐसा है जो हटा दिया गया है, अभी कम कर दिया गया है मंडल द्वारा, लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा हटा दिया गया है, तो भाई आपको वो जो चैप्टर है वो उसको हटा देना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें से कुछ कुछ पॉइंट हटाए गए हैं, कुछ कुछ पॉइंट कम करे भैया, यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना, तो वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, उसको क्या करना है, उसको देखना। अब वो सारी डिटेल आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। विज्ञान संकाय वाले सभी के लिए और हिंदी इंग्लिश का तो मैं बताऊँगा ही, ठीक है। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कॉमेंट में अपना नाम लिखना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। और जितना हो सके सपोर्ट करो, चैनल पर बने रहना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करके रखना, क्योंकि अब जो वीडियो आने वाली है ना वो वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।